हेलो एवरी वन एंड टीचर फॉर योर क्वेश्चन द क्वेश्चन से दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड सेवन हंड्रेड एम एम प्रेशर इज सेवन सिक्सटी सी सी द नंबर ऑफ मॉलिकल प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक गैस है और उसका जो टेम्परेचर है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जीरो डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर एग्जैक्ट हुआ है वो है 700 हंड्रेड मिली मरकूरी प्रेशर और वो प्रेशर पे वो 760 सिक्सटी सी सी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सी एम क्यूब लिखते हैं इसको तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो टेम्परेचर है वो है जीरो डिग्री सेल्सियस कि इसको हम 273 डिग्री टू सेवेंटी थ्री बोलते हैं और यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 700 हंड्रेड एम एम कि जो अभी इसको एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 760 सिक्सटी एम एम इज टू वन ए तो आपका 700 हंड्रेड एम इज इक्वल टू कितना एटीएम तो ये एटीएम में आप इसको लिख सकते हैं तो एटीएम में ये जो प्रेशर आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट नाइन टू वन जीरो इतना एटीएम प्रेशर आएगा तो यहाँ पे आपको प्रेशर का पता चला कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर तो आर की वैल्यू यहाँ पे और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम भी हमारे पास गिवन है तो वॉल्यूम है हमारे पास सेवन सिक्सटी क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे इसको सी एम बोलेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते सेवन सिक्सटी एम एल तो इसको लेटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा लेटर के अंदर इसको थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा तो सेवन सिक्सटी डिवाइड बाय थाउजेंड तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन सिक्स इतना लीटर तो वॉल्यूम आ गया लीटर में अभी आर की जो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे आर आर की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन और यूनिट यहाँ पे लीटर प्रेशर पर मोल पर केल्विन अभी ये आर का यूनिट ध्यान में रखना है क्यों ये यूज़ किया है क्योंकि बाकी वॉल्यूम हमने लीटर में लिया है प्रेशर हमने प्रेशर एटमोसफियर में लिया है इसलिए आर का ये यूनिट ये जो कॉन्स्टेंट है ये यूज़ हो जाएगा तो अभी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने वाले कंडीशन पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का जो प्रेशर दिया है वॉल्यूम दिया है गैस कांस्टेंट दिया है तो ये गैस कांस्टेंट है आपका दिस इज द गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन और यहाँ पे बाकी आपको सब वैल्यू दिए हैं एन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पी वी बाय आर टी तो पी आपको प्रेशर दिया है एटमॉस्फर के अंदर कि जो है जीरो पॉइंट नाइन टू वन जीरो वॉल्यूम है आपका लीटर के अंदर जीरो पॉइंट सेवन सिक्स डिवाइड बाय आर जो दिया है आपको जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन और जो टेम्परेचर दिया है वो है टू सेवेंटी थ्री कैलवी तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएंगे तो ये जो पूरा कैलकुलेशन आ रहा है नंबर ऑफ मोल का तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे जीरो पॉइंट जीरो इतने मोल आ रहे हैं उस गैस के ऑफ गैस तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे स्टेप नंबर टू लिखेंगे तो अभी मोल तो पता चला है अभी हमारे पास जो गैस के मोल है जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू ये मोल्स आ चुके हैं मोल्स ऑफ गैस तो मोल्स ऑफ ऐसा बोलेंगे पे मोल्स मोल्स ऑफ ऑफ गैस तो यहाँ पे मोल ये जो नंबर है वो पुट करेंगे यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू एन टू यहाँ पे सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री तो ये यह यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगा वो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ रहा है जीरो पॉइंट वन एट एट इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पे इस पावर को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं पॉइंट इधर लेके आते फिर यहाँ पे वन पॉइंट एट एट इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी टू गैस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड सेवन हंड्रेड एम एम प्रेशर पे इज़ सेवन सिक्सटी क्यूबिक सेंटीमीटर दैस मॉलिकूल गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इज उरेंगे वन पॉइंट एट एट इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी टू मॉलिकुल्स तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर वन के अंदर ये आंसर दिखाई दे रहा है आई द एक्सप्लेनेशन थैंक यू